हेलो पबजी, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और गेम प्ले की वीडियो में। और आज मैं खेल रहा हूँ स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड, लैंड हो रहा ओल्ड पर्सन पे। और भाई मेरे टीममेट्स लैंड कर रहे थे, मार्क कर रहे थे कि यहाँ पे डेंजर है, डेंजर है। मुझे कुछ बंदे वगैरह नहीं दिख रहे थे। अब मुझे यहाँ पे मिल जाती है गन वन। अब मैं घर लूटते लूटते और दोनों घर लूटने के बाद मुझे मिल जाती है AKM। और ड्रॉप करने के बाद भाई मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, और लकीली मेरा वहाँ पे दूसरा टीममेट वहाँ पे सब कुछ संभाल लेता है। अब मैं जा रहा था वो लोग के पास कि वो मुझे बुला रहा था। अब देखो एकदम यहाँ पे पूरा सुनसान था यार। और अब मुझे लग रहा ना ओल्ड बेसिन ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो मैं कोई बंदे ही नहीं दिखेंगे, और जब स्टार्ट होंगे ना तब एकदम भर के आएंगे। अब देखो यहाँ पे चल रही थी S12 के, और S12 के वाले के पास डायरेक्ट यार रश नहीं कर सकते, मेरे पास ऐसे भी हेलमेट नहीं है। और देखो मैं तो मुझे फुटस्टेप भी नहीं दी, और बंदा कते ही बस तुम देखो यार। अब इस एक बंदा को मैंने नॉक किया, फिनिश भी कर दिया। और मेरे पास थी शॉर्ट गन लेकिन उसकी एमो बहुत कम थी, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ M4, और भाई एमो ही एमो मिल जाती है। अब देखो मैं यहाँ पे जैसे ही बैंडेज वैंडेज कर रहा था मेरा टीममेट हो जाता नॉक। और एक्चुअली मैं बाहर निकला था बंदे को नॉक करने, लेकिन होता है ना मेरा टीममेट बोल रहा था कि मुझे रिवाइव कर दो, तो मैं उसे रिवाइव कर रहा था। और तभी देखो पीछे से गाड़ी आ जाती है, मैं हीलिंग्स कर रहा था, अचानक मुझे गाड़ी की आवाज़ आई। और ये देखो, और भाई ये लोग ऐसे है ना कि मान लो कि अगर कोई एक स्क्वाड आ रहा है ना तो दो जन यहाँ जाएंगे, दो जन कहीं और ही उतरेंगे, लूट वूट करके गाड़ी लेके तुरंत हल्ला बोल देंगे। और यही चीज़ होता है यार, एकदम पूरा स्ट्रैटेजी बना के आते हैं ये लोग। और देखो भाई हम लोग बिगर स्ट्रैटेजी की एकदम खुल्लम खुल्ली रश करते हैं, मरे तो मरे, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, क्योंकि भाई हम आम आदमी है। देखो आम आदमी मतलब एक पबजी का आम आदमी है कि यार कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बस अपने से ही खेलेंगे। स्ट्रैटेजी तब बनाया जाता है ना यार कि जब तुम एकदम नूब हो या एकदम टायर पुश करना है या वैसे कुछ नहीं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बंदा हमें बॉट फायर दे के एकदम बुला रहा था कि आओ बेटा हमको, मुझे तुम्हें मारना है, लेकिन हम इसका प्लान इसी के ऊपर थोप देते हैं और इसका वार इसी के ऊपर उल्टा पड़ता है। अब देखो यहाँ पे एकदम अच्छे खासे किल हमारे हो गए थे, और मैं हीलिंग वीलिंग करके यहाँ पे इसका क्रेट पे टूटने आता हूँ। और मेरा टीममेट मुझे US दे नहीं रहा था, मैं बोनट पे बैठ गया था, मैं बोला चल तू चल। और भाई यहाँ पे देखो मेरे साथ क्या होता है यार, इतना तेज़ चला रहे हैं ना ये लोग, मतलब मैं बोनट पे बैठा हूँ तभी भी ये लोग इतना स्पीड चला रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, हालांकि मुझे रिवाइव मिल जाता है यहाँ से। और भाई यहाँ पे कुछ बॉट वॉट थे जो मुझे फायरिंग दे रहे थे, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना था। अब मैं यहाँ पे टाशिया बोल रहा हूँ, US लेके निकलता हूँ, सॉरी मिस्टेकली टाशिया निकल गया। और भाई यहाँ पे हम लोग फ्लेयर के पास आ जाते हैं, एक बंदा तो एकदम मेरी गाड़ी से ही नॉक हो जाता है, और दूसरा वहाँ पे कतई कठपुतली बन के खड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक स्क्वाड थी लेकिन दो बंदे कहाँ थे मुझे और नहीं पता, ये दो बंदे को तो मैंने फिनिश कर दिया था, और तीसरा बंदा मेरा दूसरा टीममेट देख लेता है। अभी भी इन लोग का एक टीममेट मिसिंग था, और अब देखो वो क्या करेगा। अब मेरे दोनों एक किल तो सिक्योर हो जाते हैं, दूसरे किल पे सिक्योर हो जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग ने लूट पुट करके और प्लेयर ड्रॉप मेरे टीममेट या फिर किसी ने लूट कर लिया था, आई डोंट नो, मैंने पूछा नहीं वो लोग से। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दूसरा सरकारी ड्रॉप लूटने, तुम ऐसे भी कह सकते हो कि पबजी का गवर्नमेंट जॉब, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या छोड़ो उसे। और सामने मेरे बंदा मेरे टीममेट के साथ किसी की फाइट हो जाती है, और देखो यही उन लोग का आखिरी बंदा, ऐसा मुझे लगा था। अब देखो मेरा टीममेट हो गया था नॉक, अब आपको लग रहा होगा कि मैं बचा लूँगा, लेकिन नहीं यार, वो बंदा कतई शाना था, उसे पता था कि वो नहीं बच सकता है, और मेरे बंदे को एकदम फिनिश कर, मेरे टीममेट को एकदम फिनिश कर दिया। और इसके पास ऑक थी लेकिन तभी भी M4 चला रहा था, और भाई ऑक कौन चला रहा था तब जब इसके पास PP है यार, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। अब खैर उतना कंफ्यूजन करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। अब मेरे पास यहाँ पे Kar98 की और M4 वगैरह दोनों थी, और किल्स भी हो गए थे। अब हमारा एक टीममेट हमारा साथ छोड़ देता, और तभी हमारे ये पबजी वाले बॉट भाई साहब आते कि तुम लोगों को क्यों मार रहे हो, हम बोला कि हटो यार, एकदम बकवास करने आ जाते। और भाई अब एक ड्रॉप आ रहा था ओल्ड बेसिन में, और हम वापस ही ओल्ड बेसिन में आते हैं। और देखो भाई अभी 14 बंदे अलाइव है, अब तुम देखो यहाँ पे क्या होता है। हम लोग आए थे ड्रॉप के पास और ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के पास अपनी गाड़ी लैंड कर दिए थे, पार्क कर दिए थे कि कोई भी आएगा बस अपने को अब इस बार जीतना है। एंड सामने पूरी थी, पूरी की पूरी स्क्वाड थी वहाँ पे, मुझे पहले दिखती है एक US और एक बंदा भी दिख जाता है। और ड्रॉप भाई मेरा टीममेट लूट लेता है, लेकिन खैर मुझे लूटने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ड्रॉप लूट था।
अब मैं यहाँ पे स्कोपिन वगैरह करके देख रहा था कि कोई बंदा बंदा दिख जाए, लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा है। और देखो जब मैंने स्कोप बंद किया तब वहाँ पे एक बंदा का सिर दिखा। अब ये बंदा मेरे टीममेट को बहुत डैमेज दे रहा था, और भाई मतलब बेफिजूल का डैमेज दे रहा। जब जब तुम्हें नहीं पता है कि तुम उसे मार पाओगे तो डैमेज दे के फ़ायदा क्या है। अब देखो हम तो कतई प्रो बंदे हो चुके हैं, हमारे सामने सब फेल है, और ऐसा हम सपने में बोल सकते हैं भाई, रियल लाइफ में नहीं बोल सकते हैं। इसलिए इसमें इसको दिल पे ना ले, कहीं और लीजिए। अब देखिए आगे और एक बंदा को, एक्चुअली मेरा टीममेट एक बंदा को एसचुअल के से नॉक कर देता है, और यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड होती है ना। अब इनका आखिरी बंदा बचा था, और देखो आखिरी बंदा कतई आके यहाँ पे नीड कर रहा है। मतलब IQ लेवल देखो इसका। अब देखो मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ वीडियो, मुझे लगा कि उसका टीममेट रिवाइव हो गया होगा, लेकिन नहीं। और बंदा कतई ऐसे पीक लेके बैठा था, और एम असिस्ट तो देखो यार, मेरे टीममेट को एक बार में नॉक कर दिया। अब देखो मैं दरवाज़ा खोला था कि वो आएगा तो मैं उसे ढूंढ दूंगा, लेकिन अब देखो यहाँ पे डाशिया एक यूज़ आ चुकी है, और आपको एक विंडोज़ अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, तो एक विंडोज़ पे एक बंदा, और यहाँ पे पूरी स्क्वाड आ गई है। और अब देखो बैक टू बैक हम लोग पे रश हो रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। ये बंदा ऊपर आया तो मैंने पहले इसे नॉक किया, और नॉक करके मैं इसे फिनिश भी कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे अपने टीममेट को देने जाता हूँ रिवाइव, लेकिन उससे पहले थोड़ी एमो वगैरह उठा लूँगा। और भाई मेरे जो टीममेट मतलब मर गया था, वो मुझे सब गाइडेंस कर रहा था कहाँ करना। मैं बोला कि यार मैं पबजी खेल रहा हूँ और गाइडेंस तुम कर रहे हो, मतलब सही में गजब बात है यार। अब एक होता है ना कि तुम अपने नए दोस्त को सिखाओगे पबजी कैसे खेलते हो, और वो नया दोस्त ही तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे खेलना है, तो भाई एकदम। अब देखो वहाँ पे बिल्डिंग में दो बिल्डिंग बोल रहा हूँ, अच्छा शेफ में दो बंदे थे। एक बंदे को पता नहीं मैंने किल चोरी हो गया, और एक बंदा तो कतई यार खिड़की से मतलब कैसे गन दिखा के मार रहा है। तुम लोग समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन अब ज़्यादा मत समझो यार, और कमेंट वमेंट में कुछ लिख मत देना। और भाई उसका तो किल मेरा टीममेट ले जाता। अब यहाँ पे एक और बंदा था जो एकदम पीक लेके मेरे टीममेट को मारने जा रहा था, मैंने उसे डैमेज भी बहुत दिया था, आई थिंक नॉक हो गया शायद, पता नहीं। और इसे यहाँ पे देखो भाई, अब हमारे से वैसे सिर्फ दो बंदा बाकी है। मतलब तुम देख रहे हो कि पूरा का पूरा गेम ओल्ड बेसिन में ही निकला है। बस वहाँ पे हम प्लेयर लूटने गए थे, तो वहाँ पे बस मैंने 2 किल किए थे। अब यहाँ पे वापस से और बंदे, तो मुझे लगा कि अब सारे बंदे ओल्ड बेसिन ही आ जाएंगे, लेकिन नहीं यार ये एक बंदा है। अब देखो यहाँ पे मेरा भयंकर वाला लैग होता है ब्रदर, और यहाँ पे मेरा दूसरा ब्रदर इसको नॉक कर देता है। एक्चुअली ब्रदर मैं फ्रेंड लोग को ब्रदर ही बोलता हूँ, सॉरी। एंड यहाँ पे आखिरी बंदा मिलता है बहुत ढूंढने के बाद, और देखो कार्ड एडिट की मैंने छापी, और मेरा टीममेट किल ले लेता है, और कर लेते भाई चिकन डिनर। अब देखो दूसरी वाली गेम प्ले में हम लोग खेल रहे थे डुओ वर्सेस स्क्वाड, और मैं लैंड हो रहा था थर्ड हिल पे। अब थर्ड हिल में लैंड करते हुए भी एकदम थर्ड हिल सुनसान था, कोई बंदा नहीं था यहाँ पे, मतलब लिटरली कोई बंदा नहीं लैंड किया था। अब मैं ड्रॉप ड्रॉप टूट के जा रहा था, ड्रॉप बोल रहा हूँ बंदा, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। एक्चुअली मैं लूट वूट करके जा रहा था दूसरे घर वर लूटने के लिए, तब तक मुझे रेड आउटफिट में एक बंदा दिख जाता है, और ये अकेला बंदा था। मुझे लगा ये सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा, तो इसको तो अपने अकेले ही निपट लेंगे, लेकिन भाई एक्चुअली ये निपट भी जाता है। अब देखो इसका एक जो टीममेट आता ना, वो कतई एंग्री मैन था यार, या बोल सकते हो तुम एंग्री बर्ड, लेकिन यार बर्ड नहीं है, उड़ता थोड़ी ना, एंग्री मैन ही है एक तरह से। अब इसके पास एस चुल की थी यार, और देखो इसने कतई 2 छाप के मेरी हेल्थ क्या कर दी। इसे मैंने पहले से ही डैमेज दे रखा था, इसके पास वेस्ट वेस्ट कुछ था नहीं, हेलमेट वगैरह कुछ था नहीं, इसलिए ये नॉक हो गया, वरना ये मेरी पेटी बना जाता। और जब तक मैं मेरा टीममेट आता ना स्वाहा। अब देखो यहाँ पे एकदम बढ़िया से किल, बढ़िया से नहीं मतलब अब मज़ा आता जाता ना जब तुम इतनी सी हेल्प में दूसरे वाले बंदे को नॉक कर देते हो। अब हम यहाँ पे नदी पार करके आ जाते हैं इधर, मतलब जो भी इसका सेंट्रल रोड वाली इस घर पे, और यहाँ पे नॉक कर देते हैं। दो बंदों में आपस में लड़ाई हो जाती है क्रिकेट खेलते हुए, कि भाई बैट बॉल लेके तो कौन क्रिकेट बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा, तो हमने दोनों को ही बॉल दे के एकदम सिक्सर से उड़ा दिया। अब भाई मज़ा नहीं आ रहा है यार गेम पे, थोड़ा स्किप करते हैं। अब देखो हम यहाँ पे आए थे ड्रॉप लूटने के लिए, एंड नाउ अब देखो अब यहाँ पे सिचुएशन हो जाती है डू और डाई वाली। मैं बताता हूँ कैसे, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई बॉट है, लेकिन यार ये मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, और तुम देख सकते हो मेरे पास कोई हीलिंग हीलिंग नहीं है। अब मैं पे जैसे ही नॉक करता हूँ, मुझे मिरांडो की आवाज़ आ रही थी, एंड लो वापस मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। अब मुझे लगा अगर ये दोनों बंदे उतर गए ना,
तो यार गेम फिनिश हो जाएगा और मेरे पास एक भी मतलब हीलिंग्स नहीं थे। अब मैं अपने बंदे को यहाँ पे, बंदा बोल रहा हूँ, मैं टीममेट को यहाँ पे रिवाइव देता हूँ एंड नाउ स्मोक। और अब देखो कैसे मारेंगे लोगों, एक कतई हेड दिखा रहा है, हेड ही हेड छापा और नॉक, और दूसरे बंदे को मैंने एकदम फ्रीली ऐसे ही फायर कर दिया। अब मैंने अपने टीममेट को बोला था कि यार मेरे पास हीलिंग्स है नहीं, और जब तक मैं अपने हीलिंग करेंगे एकदम कतई जहर हो जाएगा। तो देखो अब हम लोग फटाफट आ जाते हैं यहाँ पे इस घर पे, एक्चुअली फटाफट तो इस वीडियो पे है। और देखो ये बंदा जो एकदम ऐसे बैठा हुआ था, मुझे लगा सिर्फ यही है दूसरा नॉक है, लेकिन नहीं यार ये तो लेट के हीलिंग कर रहा था। और कतई भाई ये मुझे मारा नहीं, वरना एकदम चपाटी बन जाती। अब देखो दोनों को मेरा टीममेट मार देता है, मुझे ये फर्स्ट एड किट मिल जाती है। अब यहाँ से ये लोग की क्रेट में मुझे मिल जाती है ओम, एक्चुअली ओम तो मुझे ड्रॉप से ही मिल गई थी, आई एम रियली सॉरी। और यहाँ पे एक कार नाइटेड की चला रहा है, तो मुझे लगा ये बंदा है, तो एक शॉट दिया वो तो मिस हो गया, दूसरा बॉडी और तीसरा में भाई देखो टाइम हो जाता तो नॉक। अब यहाँ पे बॉट्स आए वापस से, आ गए पुलिस बन के कि तुम क्या कर रहे हो। तो यार मैंने पहले से हेड दे के एकदम नॉक किया कि तुम क्यों आ रहे हो, मतलब ये मेरा ही किल चोरी करने में लगा हुआ है। और देखो यार ओम की दो शॉट पे बंदा मर रहा है, एक में नॉक हो जाता तो यार एक में ख़त्म भी हो जाओ ना। अब कई कार नाइटेड की चल रही थी, हमें वहीं जाना था। एंड नाउ हम बगी लेते हैं, और कहीं पे बहुत गंदी वाली फाइट चल रही थी जो हम लोग मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग के साथ कुछ गंदा वाला सीन हो जाता है, मतलब मैं अपने टीममेट को बोल रहा था बैठो बैठो, लेकिन कुछ डीसिंग या पिंग के हाई के वजह से वो बैठ ही नहीं पा रहा था। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एंड दिस इज़ अ अमेजिंग थर्ड पार्टी। एक बंदा S12 के लेके वहाँ तीन बंदे को नॉक करने गया था। अब देखो वो डैमेज दिया S12 के से बंदे को, और यहाँ पे तीसरा बंदा होलो का आता है और उसे नॉक करता है। और देखो यहाँ पे मैंने दो बंदे नॉक कर दिए, और इसका तो एक का तो किल लिया था, मुझे यहाँ पे दो बंदे नॉक थे। अब देखो ये लेटा हुआ था, ये भी मुझे नहीं दिखा, मुझे लगा ये नॉक है। और भाई तुम इस थर्ड पार्टी को क्या बोलोगे, मतलब मज़ा आ जाता है यार थर्ड पार्टी करके, मतलब एकदम सुकून मिल रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बॉट को मैंने ओम वॉम से शॉट देके मिसिंग की। अब थोड़ी सी हीलिंग हीलिंग करके मैं आ जाता हूँ इस वाले, आई मीन मतलब कवर लेके बैठा था, क्योंकि यहाँ पे थी तीन, यहाँ पे पूरी टीम थी। अब टीम में से पता नहीं कोई कैसे मर जाता, तो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके, आई मीन फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, स्मोक वोक करके थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ कि मैं मारूंगा वो लोग को। और अब देखो वहाँ पे एक बंदा कतई अपना हेड दिखा रहा था एंड नाउ नॉक। एंड दूसरा मतलब मेरा टीममेट तो भाई क्या कर दिया। अब देखो मैं इसे यहाँ पे नॉक कर सकता था, बहुत डैमेज दे दिया था, लेकिन वो पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था। अब मुझे लगा कि यार मैं मर जाऊँगा मर जाऊँगा, तो मैंने टीममेट को बोला यार तू पहले मुझे बचा ले। और देखो अब वो मुझे टीममेट मेरा मुझे रिवाइव दे देता है, और भाई अब जोन भी आ गया था, जोन बहुत लंबा वाला काटता, लेकिन मैं सब बस लकीली यहाँ पे हीलिंग हो जाती है, वरना ये हो जाता ना कि तुम रिवाइव हो रहे हो और हीलिंग, रिवाइव हो रहे हो फिर नॉक, रिवाइव नॉक का ही सीन चलता रहता। अब देखो हम यहाँ पे एकदम जा रहे थे कि अब तो रश करना है, क्योंकि देखो अब तीन ही जन बचे थे, और मुझे लगा था यहाँ पे तीन की ही टीम है। और मैं यहाँ पे कवर लेके सोचा था कि यहाँ पे नेट करूँगा, तभी एक बंदा हीलिंग करते हुए जा रहा था, और इसे तो मेरा टीममेट नॉक कर देता है। अब ऊपर मुझे अभी भी लग रहा था कि दो जन है, तो मैं यहाँ पे मोली करता हूँ, और भाई ये रॉड के वजह से आधी मोली तो बाहर ही आ जाती है। और अब देखो तुम, मुझे ज़रा सा भी आशा नहीं था कि यहाँ पे बंदा मरेगा, और देखो मर जाता मोली से। अब मैं यहाँ पे हीलिंग वीलिंग करके हम लोग जा रहे थे जोन की तरफ, और जोन में आ भी जाते, और भाई लास्ट बंदा बचा था, और इसने तो कतई बहुत बहुत वेट करवा दिया ढूंढने में। एंड मिलता है नाउ, यस कर लेते चिकन डिनर में भाई। अब आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आ तो।